नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस समय के आप लोगों के लिए बड़ी खबरें लेके आए हैं। पूर्व मुख्य वित्तीय सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने मोदी को झटका दिया है और सरकार की सारी पोल खोल के रख दी है उन्होंने, जी आपको पूरा मामला क्या है वो आगे बताएंगे। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, कांग्रेस नेता ने फिर की सर्जिकल स्ट्राइक की मोदी से मांग। जी हाँ, बड़ी खबर है, आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि क्या है पूरा मामला। दिल्ली विधानसभा चुनाव, केजरीवाल के बाद कांग्रेस का महिला कार्ड। जी हाँ, ऐसी तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे वीडियो में, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में ही बेल का आइकन उसे जरूर दबाइए जिससे कि हर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिले, और वीडियो को प्यार भरा लाइक और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आइए आपको एक एक करके सभी बड़ी खबरें बताते हैं इसी वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, नोटबंदी को झटका बता चुके पूर्व वित्तीय सलाहकार सुब्रमण्यम ने जीडीपी पर उठाए सवाल और मोदी सरकार की पोल खोलकर रख दी। आपको बता दें, कहा सरकारी आंकड़े हैं झूठे। जी हाँ, पूरी खबर आपको बता दें क्या है। भारत में नोटबंदी के समय देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यम ने पिछले साल नोटबंदी के फैसले को देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका बताया था। अब उन्होंने देश की आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी को लेकर सवाल उठाया है और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, और उनका साफ कहना है कि पूरी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी गई है सरकार की तरफ से। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उनका एक शोध पत्र रिसर्च पेपर प्रकाशित किया है जिसमें देश की आर्थिक विकास दर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाने का दावा किया गया है। सुब्रमण्यम के अनुसार जो आंकड़े पेश किए गए हैं वह झूठे थे। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शोध पत्र में प्रस्तुत किए गए सबूत भी दिखाए हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जो हवा में तीर चलाने जैसी हो। सबूत के साथ ये बातें की गई हैं और सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। सरकार ने हर चीज में बर्बादी की है, चाहे वो नोटबंदी के बाद हो, चाहे वो लोगों के व्यापार बंद हुए हो या नौकरी गई हो या कोई भी आर्थिक स्थिति सभी की खराब हुई है, जो भी व्यापारी थे उस और सबसे बड़ा झटका अर्थव्यवस्था को लगा था इस देश की। आपको बता दें, ये तमाम बड़े सवाल उनकी तरफ से खड़े किए गए और सरकार को कटघरे में खड़ा करके पूछा गया है। सरकारी आंकड़े सभी झूठे हैं, जो भी सरकार की तरफ से आंकड़े पेश किए गए ये बातें कोई आम आदमी नहीं, ये बातें पूर्व मुख्य वित्तीय सलाहकार कह रहे हैं भारत सरकार के। जी हां, और आगे आपको बताते हैं क्या उन्होंने बड़ी बातें कही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गलत आंकड़ों का बड़ा कारण। जी हां, सुब्रमण्यम के अनुसार जीडीपी के गलत मापन का सबसे बड़ा कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर निर्माण क्षेत्र। सुब्रमण्यम ने कहा कि साल 2011 से पहले मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और मैन्युफैक्चरिंग निर्यात से संबंधित होता था, लेकिन बाद के सालों के में इस संबंध में काफी गिरावट आई है। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें उनकी तरफ से क्या कहा गया है। अरविंद सुब्रमण्यम ने देश के आर्थिक विकास के लिए बनाई जाने वाली नीतियों पर भी सवाल उठाए हैं। सुब्रमण्यम के अनुसार भारतीय पॉलिसी ऑटोमोबाइल एक गलत संभव देख सकते हैं, संभव टूटे हुए स्पीडोमीटर से आगे बढ़ रहा है। तो ये देख सकते हैं तमाम उन्होंने सवाल खड़े किए हैं सरकार के लिए, जो कि उनका साफ कहना है कि अर्थव्यवस्था नोट पूरी चौपट करके रख दी गई है। और नोटबंदी के समय भी उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी कि नोटबंदी के फैसले को देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका भी बताया था उन्होंने, साफ कहा था, क्योंकि ये भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। और उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए, जीडीपी पर भी सवाल उठाए और कहा कि ये सभी सरकारी आंकड़े झूठे हैं। उन्होंने सबूत के साथ दावा किया है ट्विटर पर। जी हाँ, उन्होंने ट्विटर पर सबूत भी पेश किया, हम आपको फोटो के माध्यम से भी दिखा रहे हैं। अब आपको ये भी बता दे कि ये खेल कैसे हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2016-17 के दौरान विकास दर का आधिकारिक आंकड़ा जो पेश किया गया हुआ था 7% के करीब था, जबकि सुब्रमण्यम के अनुसार असल जीडीपी करीब 4.5% ही थी। इन वित्तीय वर्षों में विकास दर करीब 2.5% बढ़ाकर दिखाई गई है। देख सकते हैं कैसे बढ़ाकर दिखाई गई है। तो यहाँ पे उन्होंने सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए हैं और नोटबंदी को उन्होंने सबसे बड़ा झटका बताया था आर्थिक स्थिति के लिए, आपको बता दें अर्थव्यवस्था के लिए। और तमाम पार्टियों की तरफ से भी कहा जाता रहा है कि अगर नोटबंदी की जांच हो जाए तो बीजेपी सरकार कटघरे में खड़े होगी, और उसे आपको बता दें उसके ऊपर जो सवाल लगेंगे
उससे वो बच नहीं सकते, क्योंकि जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है नोटबंदी के दौरान ही हुआ है। चाहे आपको बता दें ब्लैक मनी बड़े पैमाने पर व्हाइट मनी में कन्वर्ट की गई है सिर्फ उद्योगपतियों की। जी हां, अगली बड़ी दोस्तों खबर आपको बता देते, हार्दिक पटेल ने किया ट्वीट। जी हां, कांग्रेस नेता है, चीन हमारा विमान और जवान वापस करे, पीएम मोदी को सर्जिकल स्ट्राइक के लिए ललकारा। जी हां, AN-32 विमान का मलबा अरुणाचल प्रदेश में 12,000 फीट की ऊंचाई पर घने जंगलों के बीच मिलने का संकेत मिला था। वायुसेना कल अपने गरुण कमांडो, आपको बता दे गरुण कमांडो को उन पहाड़ियों में एयर ड्रॉप कर सघन तलाशी अभियान चलाएगी। उससे पहले हार्दिक पटेल ने ट्वीट किया कि चीन हमारा विमान और जवान वापस करे, पीएम मोदी को सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी ललकारा है। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस नेता है, भारतीय वायुसेना के 3 जून से गायब हुए AN-32 विमान का मलबा अरुणाचल प्रदेश में 12,000 फीट की ऊंचाई पर मिला था, घने जंगलों के बीच मिलने का संकेत भी मिला था। आपको बता दें इसी बीच गुजरात में कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि चीन मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद ही रहेगा। चीन को कहना चाहते हैं कि हमारा विमान AN-32 और जवान वापिस करे। मोदी साहब चिंता मत करो, हम सब आपके साथ हैं। चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए और हमारे जवानों को वापस लाइए। जैसे कि आपने पाकिस्तान पे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तब चुनाव से पहले आपने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जो भी किया था, लेकिन अब 13 जवानों की, जो आपको बता दें जो 13 जवान गायब हैं इतने दिनों से, अब उनके लिए भी आपको सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी। ये कहना है कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल का। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये तंज कसा है और साफ कहा है कि हमारे जवान सही सलामत वापस आने चाहिए। हार्दिक पटेल के मुताबिक चीन ने भारतीय सेना के विमान को मार गिराया और जवानों को अपने कब्जे में ले लिया है। ऐसे में पीएम मोदी को चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। भारतीय वायु सेना की तरफ से विमान क्रैश के कारणों को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है। और उन्होंने आगे कहा, चीन मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद ही रहेगा, और चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए नरेंद्र मोदी जी, पूरा देश है आपके साथ है, और अपने जवानों को वापस लेके आइए। ये बातें उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए कही हैं, और पूरा देश आपके साथ खड़ा है इन मामलों में, इसलिए आप सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए। पहले भी गायब हुआ है AN-32 माल वहां विमान में 13 लोग सवार थे। यह विमान 1984 में सोवियत रूप से खरीदा गया था। 2016 में भी AN-32 का विमान तमिलनाडु से लापता हो गया था, जिसमें 29 लोग सवार थे, जिसका आज तक पता नहीं चल सका है। आपको बता दें उस समय वो पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के पास तंबारम के बीच उड़ान पर था। लेकिन अब ये हार्दिक पटेल की तरफ से कहा गया है, देख सकते तंज भी कसा गया है नरेंद्र मोदी को लेकर। उन्होंने साफ कहा है कि आप सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए चीन के ऊपर, और हमारे जो 13 जवान गायब हैं इतने दिनों से, उनकी खोजबीन कीजिए, जल्द से जल्द उन्हें वापस लाइए। और चीन से भी उन्होंने कहा, चीन मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद ही रहेगा। ये तमाम बातें हम आप लोगों के लिए लेके आए, देख सकते हैं कि 13 जवान जो इतने दिनों से गायब है उनके बारे में बीजेपी पार्टी अब कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। बीजेपी पार्टी की तरफ से इतने दिन हो गए हैं जबकि 13 जवान गायब हैं हमारे देश के। और इन सब मामलों में राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के जवान हैं, सुरक्षित आने चाहिए हमारे देश में। जी हाँ, इसमें राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव, केजरीवाल के बाद कांग्रेस का महिला कार्ड। जी हाँ, शीला दीक्षित ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से प्रत्येक विधानसभा के लिए 3 नामों का पैनल मांगा है, जिसमें एक महिला का नाम भी शामिल करने को कहा है। आपको बता दें, देख सकते हैं 2020 की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों में महिला वोट बैंक को लुभाने की होड़ शुरू हो गई है। केजरीवाल सरकार द्वारा मेट्रो बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर के ऐलान के बाद अब दिल्ली कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्येक विधानसभा के जिला और ब्लॉक अध्यक्षों से 3-3 संभावित उम्मीदवारों के नाम देने को कहा है, जिनमें कम से कम एक महिला जरूर हो। जी आपको बता दें, महिलाओं को लुभाने के लिए तमाम पार्टियां प्रयास कर रही हैं, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं 2020 के शुरुआत में ही। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से प्रत्येक विधानसभा के लिए 3 नामों का पैनल मांगा है। आपको बता दें, और 2015 विधानसभा के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था इस विधानसभा चुनाव में, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी की यहां से बंपर जीत हुई थी, बीजेपी का भी बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया था दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है, यही वजह है कि कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गई है। पार्टी का दावा है कि विधानसभा चुनाव के लिए
कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन में जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित चाहती है कि 2020 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन जल्द किया जाए ताकि उन्हें चुनाव की तैयारियों के लिए पूरा वक्त मिले। तो दोस्तों देख सकते हैं हम ये आप लोगों के लिए तमाम बड़ी खबरें लेके आए। पूर्व मुख्य वित्तीय सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि जीडीपी के जो आंकड़े पेश करती है सरकार वो बिल्कुल ही झूठे हैं। जी हां, आपको बता दें नरेंद्र मोदी को साफ तौर पर झूठा कहा है क्योंकि सरकार नरेंद्र मोदी के नाम पे जीतती है, यानी कि नरेंद्र मोदी की है, तो नरेंद्र मोदी पे ही सवाल खड़े होंगे सीधे तौर पर, ना कि भाजपा पे। नरेंद्र मोदी को कड़घरे में खड़ा किया और सारी पोलें नरेंद्र मोदी की खोल के रख दी है और जो नोटबंदी हुई थी उसको सबसे बड़ा घोटाला भी बताया है। तो अगली बड़ी खबर हमने आपको बताई, कांग्रेस नेता ने की सर्जिकल स्ट्राइक की मांग और कहा है कि पीएम मोदी के लिए कि वो हमारे जवानों को वापस लेके आए कैसे भी करके, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़े चाहे कुछ भी, हमारे जवान सुरक्षित हमारे देश में आने चाहिए। और अगली बड़ी खबर हमने आपको बताई, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल के बाद कांग्रेस का भी महिला कार्ड। जी हां, ये तमाम बड़ी खबरें थी हम आप लोगों के लिए लेके आए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, न्यूज अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ हर जगह शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल का आइकन है उसे जरूर दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।